हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यशा और यशा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी। मटर पनीर तो वैसे बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है। मटर पनीर को किसी भी तरीके से बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, क्योंकि मटर और पनीर का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ही बहुत डिलीशियस होता है। तो आज मैं मेरी स्टाइल से मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पनीर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे बारीक चॉप करके लिया है, 3 देसी वाले टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च लिए, 250 ग्राम यहाँ पर मैंने फ्रेश वाली मटर लिए, 300 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर लिया है। अगर आप फ्रोज़न मटर का यूज़ करें तो उसे अच्छे से पहले बॉयल कर लें। हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर 3 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। इसके बाद जो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके रखा था उन्हें डाल देंगे और इन्हें सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। हमारे प्याज बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं, इसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम जो मटर हमने ली थी उसे डाल देंगे। इसके बाद मटर को सॉफ्ट करने के लिए 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मटर के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। मटर सॉफ्ट होंगे, हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने टमाटर लिए थे 3 देसी वाले, उन्हें ले लेंगे और यहाँ पर मैंने काजू को गर्म पानी में भिगो कर रखा था 8 से 10, उन्हें डाल देंगे और हरी मिर्च, और इसका हम एक प्यूरी बनाकर तैयार करेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे ग्रेवी के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब हमारे मटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, अब जो हमने यहाँ पर प्यूरी बनाकर तैयार की है उसे डाल देंगे। इसके बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे। इसके अंदर मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1.5 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। कढ़ाई में मसाले नीचे चिपके नहीं, इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि हमारे मसाले नीचे चिपकेंगे नहीं और मसाले जलेंगे नहीं, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इससे ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से पकने देंगे। पैन के अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर घी। हम इस घी के अंदर पनीर के पीसेस को फ्राई करेंगे। यहाँ पर पनीर डालने के बाद पनीर का बिल्कुल फीका सा स्वाद ना आए, इसके लिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे क्रिस्पी नहीं करना है। पनीर को फ्राई करके डालने से मटर पनीर के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको बहुत ज़्यादा हम क्रिस्पी नहीं करेंगे, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी हो जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। अब ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून फ्रेश वाली मलाई, 1 टीस्पून हम इसके अंदर कसूरी मेथी हाथ से रब करके डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर गर्म मसाला डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर फ्रेश कटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकने देंगे। हमारी ग्रेवी तो बनकर तैयार है। अब इसके अंदर जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर हमें केवल पनीर को 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि पनीर हमारा पहले से फ्राई हुआ हुआ है। लीजिए, हमारी मटर पनीर की डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार है। इसे गरम गरम सर्व करें। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वॉचिंग यशा की रसोई, मिलते हैं नई नई रेसिपीज़ के साथ जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।